शो पर वापस नहीं बुलाया तो सलमान खान को पीटेंगे स्वामी ओम। अब तक तो आपने स्वामी ओम के कई बयानों को सुना ही होगा, मगर उनकी तरफ से दिए इन बयानों की बात करें तो आप दंग रह जाएंगे। बिग बॉस से बाहर निकाले जाने के बाद स्वामी ओम ने दिए इंटरव्यू में सिलसिलेवार तरीके से कई विवादित बयान दे डाले हैं। विवादित बयानों की कड़ी में स्वामी ओम ने दावा किया है कि सलमान खान ने उनसे शो में वापस आने की सिफारिश की है। अपने बयान में स्वामी ओम ने कहा, पिछले 10 सालों में बिग बॉस 10 की टीआरपी सबसे ज्यादा रही है, क्योंकि इस शो में वो थे। अब बिग बॉस शो की टीआरपी जीरो है, इस वजह से सलमान खान और शो के निर्माता मुझसे इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर बुला रहे हैं। अपनी शर्तों को जाहिर करते हुए स्वामी ओम ने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त पर शो में वापस आऊंगा, जब सलमान खान 10 जनवरी को मेरी तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर मेरे कदमों में अपनी नाक रगड़ेंगे और मुझसे माफी मांगेंगे। अगले ही पल अपने बयानों से पलटते हुए स्वामी ओम कहते हैं कि यदि उन्हें फिनाले में नहीं बुलाया गया तो फिनाले नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, मैं वहां जाकर सुल्तान सलमान खान को मंच पर ही पीटूंगा। स्वामी ओम ने कहा, सलमान गद्दार हैं, वो 28 जनवरी को 1,00,000 लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे और सलमान को स्टेज पर ही मारेंगे। ओम स्वामी ने ये भी कहा कि वो सलमान खान को जान से नहीं मारेंगे, क्योंकि वो सलमान को सजा देना चाहते हैं।